आज की हमारी विजिट है एमबीटी में, मोरना बायोटेक्नोलॉजी में, जिसके जिसके ओनर है मनोज कुमार सर, जिन्होंने काफी उम्दा किस्म के बुल रखे हुए हैं और उनके पास काफी अच्छा सीमन बैंक का कलेक्शन है और वहां पर तमाम तरह के जो सीमन हैं, जो थारपारकर नस्ल से लेकर के हरियाणवी गायों की नस्ल से लेकर के साहिवाल से लेकर के रेड सिंधी से लेकर के गिर नस्ल से लेकर के, जिसका एक बुल सर के जस्ट पीछे हम देख सकते हैं। सर सामने देखो, तो सर आपका क्या नाम है, शुभ नाम बताइए एक बार, थोड़ा जोर से बोलिए सर। मनोज कुमार। मनोज कुमार, तो सर मनोज कुमार सर, ये आपने जो इतना अच्छा हम सुंदर देख सकते हैं सीमन बैंक बनाया है, तमाम तरह की मुर्रा नस्ल से लेकर के बफलों की नस्ल से लेकर के गायों की नस्ल से लेकर के और बकरों की नस्ल से लेकर के, जो ये इतना तो ये कब आपने स्टार्ट किया था सर? ये लगभग मैं 15-20 साल पहले शुरू किया था। हाँ, तो 15-20 साल पहले आपने ये स्टार्ट किया था। तो सर उस टाइम आपके पास कितने बुलों से आपने स्टार्ट किया था? 4-5 बुलों से शुरू किया था। 4-5 बुलों से सर ने 15-20 साल पहले ये सीमन बैंक स्टार्ट किया था और आज हम देख सकते हैं इनके पास। सर आज कितने पास कितने बुल हैं आपके पास? 125। तकरीबन 125 उम्दा किस्म के डिफरेंट काओ और बफलो के ब्रिड, हाँ ब्रिड के अच्छे जो बुल हैं वो इनके पास सीमन के लिए हैं। देख सकते हैं गिर नस्ल का ये कितना शानदार बुल है। तो सर अभी आपके पास 125 के आसपास बुल हैं, तो इनसे आपको तकरीबन सालाना कितनी आय हो जाती है सर? अच्छी खासी सर, क्योंकि थोड़ा हाँ हेजिटेट कर रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे, लेकिन इनकी आमदनी काफ़ी अच्छी है, जितना एक IITN और एक IIM वाला बंदा नहीं सोच सकता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नाउ द टाइम हैज़ कम, अब समय आ चुका है कि हम अपनी ग्राउंड रियलिटीज़, हमारे ट्रू पोटेंशियल को और हमारे जो पशुधन के जो पोटेंशियल को है उसको हम रियलाइज़ करें, और जो हमारा जो यूथ है जो नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है वो अपना स्वयं रोजगार पाकर भी अच्छा कर सकता है। गोबर में हाथ डालने से न हिचकिचाएं, डेयरी फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपको ग्राउंड से जोड़े रखता है, हेल्थ आपकी अच्छी मेंटेन रहेगी, नेचर के पास आप रहोगे। पीला सोना सर ने बताया कि ये एक पीला सोना है और अच्छी खासी आय आपको होगी और आप अपने गांव ग्रामीण क्षेत्र से अपने कल्चर से भी जुड़े रहेंगे और आपको ये काम करके खुशी भी होगी कि आप देश के प्रोग्रेस में कुछ कंट्रीब्यूशन आपका भी है। तो ये आज की हमारी मीटिंग है सीमन बैंक MBT में, मोरना बायोटेक्नोलॉजी सुकरताल में। तो एक बार अपने बुल को लेके जाइए, देखिए कितने शानदार नस्ल का गिर नस्ल का सर्टिफाइड बुल है ये। ये देखो, ये देखिए कितना शानदार बुल सर के पास है। वो पीछे साहिवाल नस्ल का थोड़ा हाँ लेबर अपने काम में बिजी होने की वजह से घुमा ले जाओ सर। ये मुर्रा नस्ल का देख सकते हैं कितना ही अच्छा बुल है। ले जाइए सर, ले जाइए। तो ये सीमन बैंक जहाँ पर आज की हमारी विजिट है सीमन के बारे में एक एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए। तो ये MBT इंस्टीट्यूट में हम देख सकते हैं जो ब्रीडिंग के लिए इन्होंने जो बुल्स रख रखे हैं उन बुल्स को सीमन कलेक्शन से पहले सबसे पहले नहलाया जाता है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम दिखा रहे हैं, सबसे पहले इनकी अच्छे से क्लीनिंग होती है, नहलाया जाता है पानी से ताकि किसी भी प्रकार की कोई गंदगी इनसे ना चिपकी रहे। यहाँ पर हम थारपारकर नस्ल का ये बुल देख सकते हैं साफ। सीमन कलेक्शन से पहले सभी बुलों को नहलाया जाता है, ये देखिए। तो थारपारकर से लेकर के गिर नस्ल से लेकर के और हरियाणा नस्ल से लेकर के रेड सिंधी नस्ल से लेकर के साहिवाल नस्ल से लेकर के मुर्रा नस्ल से लेकर के तमाम तरह के जितने भी शानदार बुल हैं वो MBT मोरना बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के अंदर इन्होंने सीमन बैंक जो है उसमें ये काफ़ी अच्छे बुल्स रखे हुए हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो रहेगी सीमन की एजुकेशन के बारे में। देख सकते हैं पूरी तरह से बुल को, चाहे काओ का बुल हो चाहे बफलो बुल हो, दोनों को अच्छी तरह से नहलाया जाता है सो दैट किसी भी प्रकार का सीमन में कोई इन्फेक्शन या कोई खराबी ना आए। तो यहाँ देख सकते हैं मोरना ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी में सारे बुल को एक बार नहलाने के बाद सीमन कलेक्शन के लिए इनको लाइनअप कर दिया गया है। तो नहलाने के बाद इनको थोड़ी देर बांध दिया जाता है सो दैट ये ड्राई अप हो जाएं
किसी भी प्रकार का गीलापन ना हो जब इनको उसके लिए सीमन कलेक्शन के लिए लेके जाते हैं, तो इनको बारी बारी से सीमन कलेक्शन के लिए लेके जाएंगे और इनका फिर सीमन कलेक्ट करेंगे। ये देख सकते हैं तमाम जितने भी बुल आज जिनका नंबर है सीमन कलेक्शन के लिए, उनको लाइनअप किया गया है MBT में, मोरना ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी में, जो कि मुजफ्फरनगर शुकरताल में लोकेटेड है। काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी और ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, तमाम तरह की सीमन अवेलेबल हैं। तो ये एजुकेशनल वीडियो हमने आज यहाँ पर कवर करने की डिसाइड किया। तो यहाँ पर AV इन्होंने रख रखी हैं, तो AVs आर्टिफिशियल जो वजाइना होती है उसको इन्होंने इस स्टोर में और जस्ट सीमन कलेक्शन से पहले ही इस बॉक्स में से निकालते हैं ये यहाँ पर इसको। तो ये देखिए मोरना बायोटेक्नोलॉजी में बुल का सीमन इकट्ठा किया जा रहा है। जो बुल का सीमन जो कलेक्ट करते हैं वो बुल को ले जा करके, और आर्टिफिशियल जो डमी होती है कुछ एक केसेस में दूसरा जो बुल होता है उसके ऊपर जंप हम्पिंग करवा करके भी उसका आर्टिफिशियल तरीके से उसका सीमन कलेक्ट किया जाता है। तो ये देख सकते हैं ये प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। तो जो हेल्दी बुल होता है जो हर तरह से उसकी डाइट और हर चीज़ें मेंटेन है, उसका आर्टिफिशियल तरीके से उसका सीमन कलेक्ट किया जाता है पूरे ध्यान में रखते हुए। ये आज MBT में मोरना ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में ये आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से आर्टिफिशियल सेमिनेशन कलेक्ट करते हैं। दिखाइए एक बार निकाल के दिखाइए। तो ये सम्राट बुल का यहाँ पर देख सकते हैं सीमन कलेक्ट किया है, थोड़ा इस पिलर के पास रखिए, हाँ बस यहाँ पर ये देख सकते हैं एक हम्पिंग में इतना सीमन इकट्ठा हो जाता है, तकरीबन ये 50 ml के आसपास है। फिर बाहर से ही कितना इस विंडो में, सॉरी ये 5 ml के आसपास होगा ये सीमन, और ये अंदर दे दिया जाता है फर्दर जहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग होती है। ये आपको माइक्रोस्कोप मशीन साफ दिखाई दे रही है, ये देख सकते हैं। तो आगे ये अंदर जो सीमन की प्रोसेसिंग होती है उसका सीन हम, उसका वीडियो हम जरूर कवर करेंगे। वो देखिए बाहर से उन्होंने सीमन दे दिया है और अंदर ये सीमन आ चुका है, और सीमन को सबसे पहले उसका स्पर्म काउंट और स्पर्म की क्वालिटी के लिए चेक किया जाता है। तो सम्राट बुल का ये सीमन हम देख सकते हैं, ये इन्होंने उस सीमन में से थोड़ा सा सैंपल के लिए कुछ ml लिया है और ये उस मशीन में लगा दिया है, जो कि एक ml सीमन के अंदर कितने मिलियन स्पर्म्स हैं उसकी काउंटिंग बताएगी। ये देख सकते हैं एक ml के अंदर तकरीबन 1869 मिलियन एक्टिव स्पर्म्स हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो सम्राट बुल का बाहर से जो सीमन कलेक्ट किया था और जो इस विंडो के थ्रू अंदर जो आया था वो इस माइक्रोस्कोप के अंडर लीड पर लगाकर उस माइक्रोस्कोप के अंडर इसकी स्पर्म एक्टिविटी, ये हम आपको साफ दिखा सकते हैं, ये उस सम्राट बुल की स्पर्म की जो एक्टिविटी है, कितना एक्टिव है उसका स्पर्म, वो यहाँ पर देखा जाता है। और वो फिर सम्राट बुल के सीमन को यहाँ पर डाइल्यूट किया जा रहा है। सर एक बार इधर करके दिखाइए, हाँ थोड़ा, हाँ बस ये देख सकते हैं सम्राट बुल के सीमन को डाइल्यूटर के साथ डाइल्यूट कर दिया गया है फर्दर इसकी पैकेजिंग के लिए, पैकेजिंग और सीलिंग और पैकेजिंग मशीन में इसको डाल देंगे। ये देख सकते हैं ये डाइल्यूटर है, जितनी रिक्विजिट क्वांटिटी ज़रूरत है उतनी इसके साथ डाइल्यूटर को मिला के और फिर इस सीमन को तैयार कर दिया जाता है पैकेजिंग के लिए। ये देख सकते हैं तमाम तरह की सावधानियां इस मोरना बायोटेक्नोलॉजी में ली जाती हैं। इस रूम को पूरा फ्यूमिगेट कर रखा है, अगर कोई भी
बंदा जैसे कि मैं हूँ इसमें एंटर कर रहा हूँ तो मेरी आँखों में एकदम जलन हो रही है क्योंकि इसमें फ्यूमिगेशन के लिए कोई बैक्टीरिया इस रूम के अंदर सर्वाइव ना कर पाए उसके लिए यहाँ पर फ्यूमिगेशन गैस का यूज़ कर रखा है जो कि बहुत ही सुंदर है। तमाम तरह की प्रिकॉशंस यहाँ पर ले रखी हैं। तो ये वो इनपुट मशीन है जिसके अंदर उस बुल के तमाम जो डाटा होता है उसका नाम, उसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड और उसका अगर कोई टैग है, टैग नंबर, वो इसमें डिटेल सारी इसके अंदर डाल दी जाती हैं। और जब एक बार इसमें सारी डिटेल्स इसमें डाल दी जाती हैं तो फिर ये जो प्रिंटिंग है, ये जो प्रिंटिंग है, लेज़र प्रिंटिंग जो होती है, वो उस सीमेन स्ट्रो के ऊपर प्रिंटिंग कर देती है। तो हम आपको दिखाते हैं इसको फीड करने के बाद ये प्रिंटिंग, वही जो इसके अंदर फीड किया जाता है वही उस स्ट्रो के ऊपर प्रिंट कर देती है। तो ये देख सकते हैं डाइल्यूटर मिक्स करने के बाद उस सीमेन को इसमें डाल दिया गया है। डालिए सर, फिलिंग सीलिंग मशीन में डाइल्यूटर प्लस सीमेन है इसमें, करिए सर ऑन। और ये देखिए इस मशीन ऑटोमेटिकली यहां से इसको उठाएगी और इसकी सीलिंग प्लस पैकेजिंग कर देगी इस सीमेन की, इस स्ट्रो के अंदर। और ये अगर आप देख सकते हैं ये प्रिंटर है, जिस भी बुल का इसमें वो डाला जाता है, डाटा डाला जाता है, अगर मान लो सुल्तान बुल है तो सुल्तान बुल का और जो टैग नंबर है वो सब इसके ऊपर प्रिंट करके और यहाँ पर कलेक्ट होती रहती है। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा उस मग को थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दीजिए, बस ये देख सकते हैं ये सभी सीमन स्ट्रो के अंदर फिल होके और ऑटोमेटिकली जा रहे हैं उसके अंदर और इनके ऊपर प्रिंटिंग हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, जो भी बुल का नंबर होता है, टैग नंबर होता है, जो उसका नाम होता है और जो डेट होती है वो उस सीमन के ऊपर जा सकती है। उसके बाद सर ये देख सकते हैं इसमें, फिर बता देता हूँ मैं एक बार आपको, सीमन प्लस डाइल्यूटर, उसको फिर ये जो मशीन है ये सीमन को पैक कर देती है स्ट्रो के अंदर। ये जो यहाँ पर ये लेजर से उसके ऊपर मार्किंग होती रहती है और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है इस रैक के ऊपर इसको लगा दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप ये सीमन के ऊपर, अगर मैं इसके ऊपर नाम दिखाना चाहूँ तो थोड़ा सा मैं फोकस करूँगा इस सीमन के ऊपर। ये देख सकते हैं पूरी मार्किंग है इसके ऊपर, थोड़ी लाइट छोड़िए सर, ये देख सकते हैं पूरी मार्किंग है, क्या नाम, टैग नंबर कितना है, डेट कितनी है, मुर्रा नस्ल का है या थार पार्कर है, पूरा उसके ऊपर ये मार्किंग करके इन रैक्स के ऊपर अरेंज कर दिया जाता है उस सीमन को। उसके बाद से जब सीलिंग हो जाती है सारे स्ट्रोज के अंदर, उसके बाद सर यहाँ से कलेक्ट करके इस डब्बे में डाल देते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं। फिर उसके बाद सर, हाँ उसके बाद देख सकते हैं इसको क्या कहते हैं सर, रैक। इस रैक के ऊपर ये ऐसे इसको हाँ ग्लाइड करते जाएंगे और ये जो भी इसमें सेरेशंस हैं, जो दांत बने हुए हैं इसके अंदर, उस दांतों में एक एक स्ट्रो फंसता चला जाता है। और ये देख सकते हैं सम्राट बुल का, इसमें से एक सीमन दिखा के उस पेज के ऊपर रखिए, बस बस छोड़ दीजिए सर, आप छोड़ दीजिए। देख सकते हैं SBMBT मुर्रा सम्राट डैम, हाँ मिल्क रिकॉर्ड 26.200 केजी पर डे और जनवरी 2018 को ये सीमन पैक हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से एक सीमन कलेक्ट करके और उसके पैकेजिंग तक का हमने पूरा वीडियो, अपना एजुकेशनल वीडियो ये कवर किया है, देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये सीमन को इस रेफ्रिजरेशन में रख देते हैं और इसको बंद कर देते हैं जहां पर ये 12 घंटे तक 198 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहता है और उसके बाद इसको LN2 सिलेंडर में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से सीमन की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद जो सीमन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो यहाँ से इस नाइट्रोजन सिलेंडर में, इस सिलेंडर में LN2 जिसको बोलते हैं, उसमें डाल के और ले जा सकते हैं। तो इस पार्ट में हम बताएंगे आपको कि सीमन को कैरी करने की जो डेयरी किसानों को जो दिक्कत आती है वो कैसे करें।
तो ये जो थर्मस है, ऐसा एक थर्मस ले लें, ये मिल्टन का है, ये थोड़ा महंगा आता है, आप 100-150 रुपया कोई भी थर्मस ले सकते हैं। उसमें लिक्विड नाइट्रोजन भरवा लें, लिक्विड नाइट्रोजन भरवाने के बाद उसमें जो सीमन है, सीमन स्ट्रो प्लीज, हाँ, इसके अंदर नाइट्रोजन के अंदर जो इसके अंदर भरी हुई है इसमें छोड़ दें, धीरे से छोड़ दिया, दूसरा और उठाइए सर, तो 10-20-30-40 अगर आप सीमन ले जाना चाहें तो वो इस थर्मस में नाइट्रोजन फिल करवा के ये देख सकते हैं जो भाफ निकल रही है, ये भाफ न हो करके एक तरह की नाइट्रोजन इवेपोरेट हो रही है, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन है, और इसको करके फिर ढक्कन लगा दें, इस ढक्कन को पूरी तरह टाइट ना करें, थोड़ी बहुत गैस इसमें से निकलती रहे तो इसमें प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, और इस ढक्कन को ऐसे लगाएं और आराम से आप इसको 100-150 किलोमीटर दूर ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें जो नाइट्रोजन का लेवल है वो नेक लेवल तक, ऊपर हाथ लगाओ सर, नेक यहाँ तक, गर्दन तक, हाँ यहाँ तक अगर रखते हैं तो आपका सीमन कतई भी खराब नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा लिक्विड नाइट्रोजन, अगर आपको और ज़्यादा लंबा ट्रेवल करना है तो दूसरी बोतल में भरवा लें और इस बोतल से इसमें डालते रहें, ऐसे डालते अगर इसमें रहोगे बार बार तो ये है कि नाइट्रोजन लेवल इसमें नीचे नहीं आएगा, अगर नीचे आएगा तो फिर आपके सीमन खराब होने की चांसेस होते हैं, लेकिन अगर नेक लेवल तक है, क्योंकि सीमन कहाँ तक डूबा हुआ है सर, सीमन बताइए कहाँ तक डूबा, सीमन सिर नीचे नीचे कीजिए, नीचे है ना सीमन, तो हाँ ये सीमन तो जैसा कि सर ने बताया, उंगली लगाइए सर, सीमन कहां तक है इसमें, यहां तक सीमन है, तो और गैस कहां तक भरी हुई है सर, गैस यहां तक, लिक्विड जो नाइट्रोजन है उसमें यहां तक भरी हुई है, तो कुछ भी कीजिए, लिक्विड नाइट्रोजन किस लेवल से नीचे नहीं आनी चाहिए सर, इससे ज्यादा नीचे ना आए, दूसरी एक बोतल ले लें और इसको चेक करते हुए चले जाएं, अगर नाइट्रोजन का लेवल इससे नीचे जा रहा है तो दूसरी बोतल में से इसमें उड़ेल लें, और इस तरह से आप कितनी भी दूर ले जा सकते हैं, बशर्ते कि वो जो सीमन है वो इस नाइट्रोजन के अंदर ही रहे, लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल सीमन के लेवल से नीचे ना जाए। तो ये बोतल को टेढ़ी ना करें, ज़्यादा हिलाएं ना, अगर हिलाएंगे तो इसका जो नाइट्रोजन है वो जल्दी इवेपोरेट होगा, इसको आराम से ले जाएं आप, सीमन को आराम से आप थोड़ी दूरी तक 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक आराम से कैरी कर सकते हैं, और अगर लिक्विड नाइट्रोजन और अगर आप लेके चलते हैं इसके साथ दूसरी बोतल में, तो वो इसमें अगर आप रिप्लेस करते रहें और तो फिर आप कितनी भी दूरी तक लेके जा सकते हैं। एक चीज़ याद रखें कि अगर सीमन नाइट्रोजन के अंदर डिप है तो वो -198 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, और उसको चाहे 100 साल से लेकर के 1000 साल तक आप रख सकते हैं, उसमें खराब होने के कोई चांस नहीं है, और उसको ज़्यादा अंदर बाहर भी ना करें सीमन को, सीमन को अगर नाइट्रोजन में डिप रहने देते हैं तो वो उसको कितनी भी दूरी तक आप लेके जा सकते हैं। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं उनका मन में डाउट रहता है कि वो सीमन लेने तो चले जाएंगे लेकिन फिर उसको वहाँ से परचेज करके घर तक कैसे लेके आ पाएंगे, तो वो सर से जानते हैं, गौरव सर से जानते हैं कि वो कैसे करते हैं, सर एक बार बताना। एक थर्मस आती है मिल्टन की, ठीक है, मिल्टन की या कोई भी 100 रुपए की भी थर्मस आप ले सकते हैं, थर्मस लेके उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन गैस डालोगे, आप लिक्विड नाइट्रोजन गैस डालोगे, क्योंकि थर्मस जो अपना डालो आप, जो थोड़ा हाँ दिखाओ ऐसे मत, हाँ थोड़ा ऊपर से डाल के दिखाओ, हाँ ये देखिए, थोड़ा सा जब थर्मस जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर होता है, तो उसमें थोड़ी सी गैस डालें लाइक 40-50 ग्राम, और उससे उस वो नाइट्रोजन जो गैस होगी वो उसको बिल्कुल ठंडा कर देगी बर्फ़ की तरह, और फिर उसके बाद उसको आप उड़ेल भी, हाँ उड़ेल एक बार नीचे डाल के दिखाइए सर इसको, हाँ बिखेर एक बार डाल नीचे डाल के दिखाइए, नाइट्रोजन को गिरा के दिखाइए, इसको 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 गिरा के दिखाइए थर्मस में से, हाँ गिरा के दिखाओ, गिरा ये देखो, ये पानी की तरह ही होता है कुछ नहीं, जैसे ही ये गैस नीचे गिरेगी लिक्विड गैस, ये गैस में कन्वर्ट होके इवेपोरेट हो जाएगी, और जैसा कि हमने केमिस्ट्री के लेक्चर में 12th में पढ़ा था और साइंस में हमने पढ़ा था, ये इनर्ट गैस होती है, इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, अगर हम एटमॉस्फेयर में भी देखें तो 71% नाइट्रोजन ही है, तो ये नाइट्रोजन अगर इवेपोरेट होती है तो ये आपको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाती, फिर भी ज़्यादा कंज्यूम करने से बचें। एक बार थोड़ा और गिरा के दिखाओ सर, लास्ट जो है ये देखिए बस, धन्यवाद। तो ये गर्म पानी मान लीजिए एक तरह से, हाँ डाल के दिखाओ सर किसी को भी, हाँ सीमन अगर
अपने घर में लेके जाना है तो वो कैसे लेके जाएंगे वो दिखाइए। नहीं नहीं सीमन नहीं डालिए सर, पहले उसको फिल कीजिए मिल्टन के थर्मस को नाइट्रोजन से। हाँ अब फिल करके दिखाइए एक बार। तो ये सर ने दिखाया, ये ऐसे तकरीबन जो हाँ जहाँ से भी आप सीमन खरीदेंगे वो इसमें नाइट्रोजन डाल दो। हाँ डाल दो एक बार, पूरा डाल दो उसमें नाइट्रोजन, ऐसे फिल कर देंगे। और जब ये थर्मस पूरा फिल हो जाएगा, पूरी नाइट्रोजन ऊपर तक भर जाएगी, उसके बाद सर बताइए, उसके बाद इसके अंदर आप सीमन, हाँ तो उसके बाद आप सीमन को निकालिए। हाँ डायरेक्ट छूने से बचें, सीमन को डायरेक्ट उंगलियों से न छुएं। ये एक सेकंड यही होल्ड करिए, ये देख सकते हैं ये इस गोगलेट में जो बकेट नाइट्रोजन के अंदर डिप करके रखती है, ये कई सीमन ये रख रखे हैं। निकालिए सर, हाँ निकालिए, हाँ इसके अंदर ये डाल दिया है सीमन। और अब इसका ढक्कन लगा दीजिए, एक लीटर का ये है। हाँ तो जैसा कि सर ने बताया कि पूरा टाइट ना करें, इस ढक्कन को पूरा टाइट कतई ना करें, लूज रखें, बस ऐसे लूज रखें सो दैट थोड़ी थोड़ी गैस इसमें से निकलती रहे। और फिर इसके बाद मेन ढक्कन बंद करके घर पर, हाँ एक बार वो मेन ढक्कन लाइए, इसका मेन ढक्कन, हाँ तो ये मेन ढक्कन इसके ऊपर रख के, और आप इसको लेके जा सकते हैं 8 से लेकर 10 घंटे तक। इस सीमन के कतई कुछ नहीं होगा, इसमें जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो इसको सेव करके रखेगी। तो इस तरह से जो भी बायर हैं, जो सीमन जो परचेज करना चाहते हैं, उनके जो मन में डाउट था उनको अपने घर में कैसे लेकर के जाएं, तो ये प्रोसीजर आज हमने उसमें कवर किया है। इस पार्ट में हमने बताया है कि सीमन को बायर्स कैसे अपने दूर डिस्टेंस तक लेके जा सकते हैं। मैंने कहा 8 से लेकर 10-12 घंटे तक इस सीमन के कुछ नहीं होगा। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो था जो हमारे व्यूवर्स को हमने दिखाया है। ये इसलिए दिखाया है ताकि नस्ल सुधार में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, वो अपने जो मुर्रा बुल के सीमन को जो कलेक्ट करने में और उसको ट्रांसपोर्ट करने में जो हिचकिचाहट थी उनकी, वो दूर हो, वो कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। वैसे एक सिंपल प्रोसीजर है, 100 रुपये का आप कोई भी लोकल थर्मस ले लें और उसमें आप ये सीमन इस तरह से ले जा सकते हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच।